गर्मी की छुट्टियों में स्कूली विद्यार्थियों को चुस्त दुरुस्त रखने शिवपुरी जामुल में एनी टाइम जूडो एकेडमी द्वारा छत्तीसगढ़ जूडो संघ की मदद से निशुल्क समर कैंप का आयोजन किया गया, जिसका समापन गुरुवार को हुआ। दुर्ग जिला जूडो संघ के तत्वाधान में एनी टाइम जूडो एकेडमी खेल परिसर नगर पालिक परिषद जामुल के द्वारा 1 मई से 15 जून तक निशुल्क जूडो एवं सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण शिविर प्रदेश के उत्कृष्ट जूडो प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण शिविर में जामुल क्षेत्र के लगभग 150 नवोदित खिलाड़ियों को जूडो खेल के माध्यम से आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए। इस प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षक ब्लैक बेल्ट शेख शरीफ, अंतर्राष्ट्रीय रेफरी किरण शर्मा सहित लोकेश निर्मलकर, सुदर्शन निर्मलकर, मुर्तजा अली, दीपक कुमार ने प्रशिक्षण प्रदान किया। शिविर का समापन 15 जून को नगर पालिक परिषद के अध्यक्ष ईश्वर सिंह ठाकुर के मुख्य आतिथ्य एवं परिषद की उपाध्यक्ष सुनीता चन्नेवार की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में वार्ड 5 के पार्षद दीपक गुप्ता और वरिष्ठ समाज सेवी करीम खान भी विशेष रूप से उपस्थित हुए। सर्वप्रथम अतिथियों का स्वागत विधि अनुसार पुष्पहार से किया गया। तत्पश्चात इस निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षणार्थियों ने जूडो खेल के जरिए आत्मरक्षा के दाव पेचों को अतिथियों के समक्ष प्रस्तुत किया। समापन समारोह के अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित हुए सम्मानीय अतिथियों द्वारा निशुल्क प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले समस्त प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। नगर पालिक परिषद जामुल के अध्यक्ष ईश्वर सिंह ठाकुर, वार्ड 5 के पार्षद दीपक गुप्ता ने जहाँ इस प्रशिक्षण शिविर को खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए बेहतर बताया, तो वहीं जामुल क्षेत्र से जूडो खेल में पारंगत हुए अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मुर्तजा अली और दिव्या कुमारी ने अपने प्रशिक्षकों द्वारा बेहतर प्रशिक्षण देने की बातें कही गई। साथ ही एनी टाइम जूडो एकेडमी के कोच लोकेश निर्मलकर ने इस प्रशिक्षण शिविर की जानकारी दी। मैं बोलना चाहूँगा, जामुल नगर पालिका और नगर के लिए इतनी बड़ी गौरव की बात है कि जूडो का जो प्रशिक्षण और ग्रीष्मकालीन जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ये हमारे यहाँ के कोच खान साहब, लोकेश निर्मल भाई और इनकी पूरी टीम ने एक ऐसा प्रयास किया। चूँकि मैं भी स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ हूँ, कबड्डी खिलाड़ी रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहा हूँ राष्ट्रीय लेवल पर, और मुझे देखकर बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे जामुल के बच्चे, जो नए बच्चे, उनको एक बेस मिल रहा है स्पोर्ट्स के लिए। तो मैं इनको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आने वाले समय में जामुल का नाम, और वर्तमान में अभी एक दो महीना पहले यहाँ के दो बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना लोहा मनवाए हैं। एक है हमारे जामुल में, सबसे पहले तो ये जो खेल की शुरुआत हुई, मैं इस खेल की शुरुआत करने वाले कोच को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अथक प्रयास करके आज इतनी बड़ी टीम हमारे सामने खड़ा किया, इन बच्चों को सिखा कर और एक हमारे जामुल के नाम रोशन करने के लिए इन्होंने तैयार किया। इसके लिए वो जो कोच हैं, जो खिलाड़ी हैं, सब धन्यवाद के पात्र हैं। रही बात जामुल के नाम रोशन करने की प्लस नगर पालिका के द्वारा सहयोग की, तो निश्चित रूप से इन खिलाड़ियों को मैं सभी को सहयोग देना चाहूँगी। सबसे ज़्यादा अपने कोच को मैं सहयोग देना चाहूँगी और मैं जो मेरे साथ प्रैक्टिस कर तुमने भी सहयोग देना चाहूँगी और मेरे माता पिता को भी सहयोग देना चाहूँगी। उनके मेरे कोच की वजह से मैं इतना दूर मतलब गई और इतना अच्छा परफॉर्मेंस मैंने खेला। मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी, अपने कोचेस को, अपने साथियों को, अपने माता पिता को। अंतर्राष्ट्रीय खेल खेलने में एक अपना अलग ही मतलब खुशी होती है, लगता है कि हाँ एक इंडिया प्लेयर बनना अच्छा लगता है। यस, बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, और हम कोशिश रही कि सही बच्चे अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय सभी गेम खेलें, सभी लेवल खेलें। ठीक, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं नगर पालिका परिषद और इस ग्राउंड का, मेरे कोचेस का, परमात्मा का, रब का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस प्लेटफॉर्म में आके इंटरनेशनल, नेशनल में मेडल, इंटरनेशनल खेलने का मौका मिला।
मैं चाहता हूँ आने वाले समय में और इंटरनेशनल एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक में और मेहनत करूँ। और हमारा समर कैंप एक महीने का था, इसमें 80 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और मेरे पास रेगुलर 60 बच्चे अभी भी हैं जामुल नगर पालिका में। और हमारे बीच में 2 बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, दिव्या कुमारी, मुर्तुजा अली। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे नगर पालिका की तरफ से हमें प्रोवाइड हुआ, जैसे कि ईश्वर ठाकुर जी ने हमें 50,000 रुपये की घोषणा की है अपने निधि से, तो उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। समापन समारोह के मुख्य अतिथि नगर पालिक परिषद जामुल के अध्यक्ष ईश्वर सिंह ठाकुर ने एनी टाइम जूडो एकेडमी के विस्तार एवं खेल को सामग्री क्रय करने हेतु 50,000 रुपए अनुदान की घोषणा की गई, जिससे कुछ सुविधाएं और बढ़ाई जा सके और खिलाड़ियों को बेहतर वातावरण के साथ बेहतर संसाधनों के जरिए इस तरह तराशा जाए कि वे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जामुल सहित छत्तीसगढ़ प्रदेश और देश का नाम रोशन कर सकें। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए जामुल से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।